फिलहाल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये है द्वाराहाट का मुख्य चौराया और यहीं से जाते हैं गुजरदेव मंदिर को। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सत्यवीर खनका, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं द्वाराहाट मंदिर समूह की यात्रा पर। दोस्तों, गुजरदेव मंदिर पे हम पहुँच चुके हैं लेकिन यहाँ का गेट बंद है, तो मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। इसे सामने आप देख सकते हैं, इसकी पूरी बाउंड्री वॉल है, अरे पूरा मंदिर बंद किया गया है। और ये है सामने गुजरदेव, खंडित अवस्था में है पूरा मंदिर। इस मंदिर को चंपावत के बालेश्वर मंदिर का अग्रगामी मंदिर माना जाता है। हम पहुंच गए हैं रतनदेव मंदिर के पास, जो द्वाराहाट मंदिर समूह के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में से एक और मंदिर है। तो मैं आपको उसकी लोकेशन दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों रतनदेव मंदिर समूह। चलिए अब हम इसके अंदर जाते हैं। शाबाश भाई, जेल से बहुत बार भागे हम। नहीं आ पाएगी, आ पाएगी नहीं आ पाएगी रतनदेव मंदिर समूह में, देख ले भाई। तो जब भी आप ऐसे मंदिरों को देखते हैं, ऐसी संरचना आपको देखने को मिलती है, तो इनका सीधा सा संबंध है कत्यूरी वंश के राजाओं से। कत्यूरी शैली में बने हुए मंदिर, तो ये रतनदेव मंदिर भी उसी शैली में बना हुआ मंदिर है और ये बिल्कुल खंडर हो चुका है। मंदिरों की इसी श्रृंखला में द्वाराहाट के एकदम नज़दीक मेन शहर से लगा हुआ ये मंदिर है। आप ये देख सकते हैं, ये है रोड मुख्य और मृत्युंजय मंदिर है ये। मृत्युंजय मंदिर के अंदर का जो मुख्य गर्भगृह है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है, शिव मंदिर। और जो उसकी मुख्य संरचना है बाहरी, वो मैं आपको बाहर पे दिखाता हूँ। कत्यूर वंशीय, कत्यूर शैली में बने हुए सारे मंदिर हैं हमारे पास, जो द्वाराहाट है, जो जागेश्वर है, इन सभी में। ये है मृत्युंजय मंदिर का बाहरी परिसर, मुख्य परिसर, और इसी के अंदर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले गर्भगृह देखा वो है, और ये इसका परिसर है। आप कभी आए तो यहाँ बिल्कुल एकदम रोड से लगे हुए मंदिर मिलेंगे आपको, यहाँ पे द्वाराहाट मंदिर समूह में। मृत्युंजय मंदिर के जस्ट पीछे आप जो एक बोर्ड देख रहे हैं, ये है द्वाराहाट मंदिर समूह का एक और मंदिर, मनियान मंदिर। तो चलिए आपको इस मंदिर की ओर भी ले चलते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो द्वाराहाट मंदिर समूह की यात्रा है अब बढ़ चली है बद्रीनाथ मंदिर समूह और कचहरी और मनियान की तरफ। तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले चलूँगा इस द्वाराहाट मंदिर समूह को दिखाने आप लोगों को। तो चलिए बिल्कुल बने रहे आप मेरे साथ। एक बार मेरे बगल में आप देख सकते हैं, ये है मृत्युंजय मंदिर, जहाँ जस्ट अभी 2 मिनट पहले हम थे, और इसी के जस्ट पीछे से लगा हुआ ये रास्ता है जो कि जा रहा है बद्रीनाथ मंदिर समूह और मनियान और कचहरी पे। तो चलिए बढ़ चलते हैं उस। तो दोस्तों, बस जस्ट 100 कदम की दूरी पर है बद्रीनाथ मंदिर समूह। तो जो आप देखेंगे आप सामने जो मंदिर दिख रहा है, ये है इसी द्वाराहाट मंदिर समूह का एक और मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर। फिलहाल हम जितने भी मंदिरों में गए हैं अभी तक, वो एकमात्र मंदिर हमें ऐसा मिला जिसमें मंदिर के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो ये बद्रीनाथ मंदिर समूह के बारे में लिखा गया है, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और मुख्य मंदिर की तरफ आपको मैं ले चलता हूँ। तो ये है मुख्य मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर समूह का मुख्य मंदिर। जय हो प्रभु। इस शिला के पास ये रहा बाणासुर मंदिर और ये है लक्ष्मी माता का मंदिर। ये है कैमरा गर्ल जिसके तोते उड़े हुए हैं आज सुबह से, चल नहीं पा रही है और कहती है मैं हाइकर हूँ। हम चल पड़े हैं बद्रीनाथ मंदिर समूह को देखने के बाद
इस गली वाले रास्ते धीरे धीरे मनियान और कचहरी मंदिर के पास, जो कि दो मंदिर और हैं द्वाराहाट मंदिर समूह के अंतर्गत। इसके लिए द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। ये पुराने से घर देखने को मिल रहे हैं इस रास्ते में हमें द्वाराहाट में। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के मकान बहुत सारे हैं यहाँ। ये रहे, कुछ ठीक हो चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुए हैं। हेलो दोस्त, टू फास्ट। छापड़ तो चलते। अचानक से दिखने वाला ये है वो मंदिर जिसका नाम है, क्या नाम है यार इसका, मनियान मंदिर समूह। ये चलिए इसके अंदर जाके देखते हैं। ये है मनियान मंदिर समूह और ये मंदिर बंद है, यानी इसका गेट भी बंद है। तो हम जैसे तैसे इसके अंदर आ चुके हैं। जैसे कल आपने देखा था, रतनदेव भी बंद था और मनियान भी बंद है। तो आप परिसर देख लीजिए इसका, ये रहा। दिखने के लिए तो बहुत सुंदर है। ये जो सामने आप देख रहे हैं मंदिर, ये ध्वस्त हो चुका है और सामने दो ये दिखने को मिलते हैं आपको मनियान मंदिर के अंतर्गत। एक सामने ये मंदिर भी है। ये सारे मनियान मंदिर समूह के जस्ट बगल से जब आप गुजरते हैं तो आप पहुंचते हैं कचहरी मंदिर, जो कि अगला मंदिर है द्वाराहाट मंदिर समूह का। चलिए आपको ले चलते हैं उस ओर। जी हम पहुंच चुके हैं कचहरी मंदिर के पास। ओ वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। सारे मंदिरों में आपसे सुंदर मंदिर यही है। चलिए आपको सबसे इन सबके पास नजदीक से ले चलते हैं। दोस्तों सभी मंदिर समूहों में अब तक लुकवाइज या दिखने में जो सबसे सुंदर मंदिर है वो ये है कचहरी मंदिर। यानी जो इसका लुक है या जो परिसर है या जो मंदिर के संरचना है वो बहुत सुंदर है फिलहाल सारे मंदिरों में। तो आप देखिए प्रत्यक्ष, मंदिर के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको मंदिर को एक बार फिर से नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये देखिए दो मंदिर, ये एक दो तीन चार पांच मंदिर, ये दो मंदिर, ये सात और एक ये आठ, और शायद ये वाला था जो नौवा, ये टूट चुका है। सामने से ये सबसे खूबसूरत है मंदिर। इस प्रकार से द्वाराहाट मंदिर समूह के सारे मंदिरों को हमने विजिट कर लिया है और द्वाराहाट मंदिर समूह की ये यात्रा अब समाप्त होती है।